आज महाशिवरात्रि है और इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मथुरा से सांसद एवं अभिनेत्री सुश्री हेमा मालिनी ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। खबरदार न्यूज से बात करते हुए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महाशिवरात्रि है, भगवान का दर्शन करने का अवसर मिला। कल मेरा यहाँ पर शो था विक्रमोत्सव में, दुर्गा का नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया, उसके बाद आज दर्शन किया मैंने, बहुत ही बढ़िया लगा। और मुझे मथुरा से तीसरी बार सांसद बनने का अवसर मिल रहा है, तो मैं प्रार्थना किया कि मैं वापस यहाँ पर जीत कर आऊँ, हमारे मथुरा में ब्रजवासियों की सेवा करूँ मैं और मोदी जी का भी साथ दूँ मैं, क्योंकि हमें जीत कर आना है। जो मोदी जी का जो नारा है 400 पार, उसको लेकर करना है वो, और अब की बार फिर से मोदी सरकार। आप एक बड़ा चेहरा रही है मैम, प्रचार के लिए आप कहाँ कहाँ जाने वाली हैं, क्या साउथ, क्योंकि इस बार साउथ को बहुत अच्छे तरीके से टारगेट किया जा रहे हैं, ये पूरी रणनीति है बीजेपी की, क्या साउथ के प्रचार में आप जाएंगी? साउथ के प्रचार में अगर बुलाया गया मुझे आने के लिए, ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है, चलो। बहुत बढ़िया हुआ, इसका फोटोग्राफ मुझे रोज सुबह मिलता है, उसका दर्शन आज आपने आप किया था, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा दर्शन करवाया यहाँ के।